नई दिल्ली में 17वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो जाएगा। तीन तलाक समेत कई अहम विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष किसान, सूखा और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को संसद में घेर सकता है। संसद सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक पीएम मोदी ने कहा कि निचले सदन का पहला सत्र नए उत्साह और सोच के साथ शुरू होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार के साथ बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सूखा और प्रेस की आजादी जैसे विषय उठाए। विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है और पीएम मोदी ने भारतीयों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार ऐसे विधेयकों को लाने में अग्रणी रहेगी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को परिलक्षित करे। आपको बता दें कि 26 जुलाई को खत्म होने वाले सत्र में 30 बैठकें होंगी और पहले दो दिन लोकसभा के सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शपथ दिलवाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा और अगले दिन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।